हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सूट में गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगे और गले की डिजाइन हमारी बोट नेक में रहेगी। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है, तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। फिर हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी गले की चौड़ाई 7 इंच है, तो यहाँ पर 7 को आधा करेंगे तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पर हमारी डिजाइन बनेगी, ठीक है। तो 1.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान को लगा लेना है। और इस तरह से निशान को मिला देंगे। और यहाँ पर हमारी जो गले की पट्टी रहेगी वो 0.5 इंच की रहेगी, 0.5 या 1 इंच की, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिजाइन बनाई है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से गले की पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कपड़े पर चिपका लिया है। तो अब हम यहाँ पर साइड में होल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और इसको भी हमें सीधा रखना है और इसमें भी हम बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे और जो हमारा सूट है उसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। और जो हमने गले की पट्टी तैयार करी है इसको भी हमें इसके ऊपर रखना है, इस तरह से कट और जो हमारा निशान है इन दोनों को मिला के हमें इस तरह से रख के सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। और फिर इस तरह से हम कट लगाएंगे। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने गले को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह की पट्टी तैयार करी है फोल्ड करके, तो इसी से हम डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेपर लिया है, पेपर हमने डबल लिया है और जो हमारी पट्टी 1.5 इंच की है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। Thank you.
यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पूरी गुलाई में एक एक इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक एक इंच की दूरी पर हम पट्टी को सिलेंगे। और थोड़ा सा पेपर हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी पट्टी की लंबाई है वो हमने 3 इंच की रखी है, तो इसको यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। और जो पट्टी की बंद साइड है वो हमें अपनी साइड में रखनी है, तो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे निशान के ऊपर, और फिर सिलाई लगानी है। तो पूरी गुलाई में हमें इस तरह से पट्टी को सिल लेना है। आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे की तरफ डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह की डोरी तैयार करी है। डोरी किस तरह से बनाते हैं तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कटिंग करेंगे। और जो हमारी डोरी की लंबाई है वो हम रखेंगे 5 इंच, तो 5-5 इंच की हमें डोरी कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर हमें जो पट्टी है इसके अंदर इस तरह से डोरी को डालेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से इससे हमारी डिजाइन बनेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से डोरी को डाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर डोरी को इस तरह से रखेंगे, और नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम यहाँ पर सूट में इसको सिलेंगे। तो जो हमारा सूट है इसको हमें इस तरह से रखना है, सीधी तरफ से जो हमारा गला है उसको हमें अच्छे से मिला के ही रखे सिलाई लगानी है, ठीक है। आप चाहे तो पिन लगा के भी सिलाई लगा सकती हैं। Thank you.
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से गले की गुलाई से कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है, इसको हमें उल्टी साइड में रखना है। और यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी, तो इसको हम यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे उल्टी साइड में, ठीक है, और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पट्टी को भी सिल लिया है। और जो हमारा पेपर है तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा गला है वो सिल कर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारी बाजू की डिजाइन है तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो बाजू की डिजाइन की वीडियो भी देख सकती हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बाजू की डिजाइन बनाना सिखाया है।